सभी मनरेगा मेट दीदियों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को NMS के थ्रू अटेंडेंस लेने की बारे में बताऊंगा कि किस तरह से अटेंडेंस लिया जाएगा। सबसे पहले आपको मनरेगा जो इंस्टॉल किए हुए हैं उस ऐप को ऑन करना है। ये अपडेट दिखा रहा ऑन हो जाएगा। इसमें एक यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपको ब्लॉक लेवल से आपके मोबाइल में ही आएगा, जब आप इस डिवाइस को रजिस्टर्ड कराएंगे तो यहाँ पर जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा उसको यहाँ डालना है। यूज़र आईडी की जगह पर यूज़र आईडी और पासवर्ड की जगह पर पासवर्ड डालना। ये देखिए, क्योंकि ये मेरा सेव किया हुआ है तो ये ले लेगा। ये आपको ऑटोमेटिक सेव कर लेना। पहली बार जैसे करेंगे आपको एक पासवर्ड सेव का ऑप्शन आएगा, उसमें आप सेव कर लें ताकि बार बार इसे डालना नहीं पड़े। तो ये एक डिजिट का नंबर रहेगा, ऊपर वाले जो नंबर डिजिट रहता है वो यूज़र आईडी होगा और नीचे में 6 अंक का एक रहेगा, वो आपका पासवर्ड होगा। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आपको दिखेगा, यूज़र इस तरह का स्क्रीन आपको दिखेगा। इस स्क्रीन के में सबसे पहला काम आपको हर रोज़ करना है। सबसे पहले ये हर रोज़ करना है, ये मैंडेटरी है, इसको मैंने एकदम अवश्य ही करना होगा, नहीं तो आपको ये मस्ट्रॉल पहला बार तो दिख जाएगा लेकिन दूसरे दिन वो मस्ट्रॉल नहीं दिखता है। ये कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो इसकी सही विधि क्या है कि आपको सबसे पहले इस तीर निशान जो तीन डॉट दाएं साइड है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक पॉपअप निकलेगा, एक स्लाइड इधर से निकलेगा, उसमें आपको डाउनलोड मास्टर करके एक ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर में ही, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही डाउनलोड मास्टर करके एक मस्ट्रॉल अटेंडेंस करके आपको दिखेगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ये करने का उद्देश्य क्या है कि ये करने का है कि हर रोज़, क्योंकि इसमें मस्ट्रॉल प्रतिदिन की आती है तो आज का मस्ट्रॉल इसमें डाउनलोड हो जाएगा कि कितने अटेंडेंस लेबर के लेने हैं। जैसे अभी इस पंचायत की बात कर रहे हैं, समेक्स पंचायत है, इसमें आज 423 लेबर की अटेंडेंस लेनी है, ये आपको दिख जाती है। अब इसमें इसको ओके कर देना है। तो ये क्या हो गया कि ये आपके मस्ट्रॉल आपके मोबाइल पे आ गया, नहीं तो ये मस्ट्रॉल आपको दिखेगा नहीं। अब इसे बैक कर देना है। उसको बैक करते ही जो एंट्री पोर्शन है वो दिख जाएगा। अब यहाँ पर एंट्री में जाना है, डेटा एंट्री वाला। डेटा एंट्री करते ही दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, पहला मस्ट्रॉल अटेंडेंस, दूसरा आफ्टरनून सेकेंड वर्क फोटोग्राफ्स। उन्हें इसमें अभी ये प्रक्रिया कर दिया गया है कि आपको पहले हाफ में एक अटेंडेंस लेनी है और दूसरे हाफ में एक अटेंडेंस लेनी है। हाँ, तो पहले हाफ में जो अटेंडेंस लेनी है तो वो ऊपर वाले पोर्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो अटेंडेंस की ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें हर योजना के लिए एक वर्कोड निर्धारित है। तो चूँकि वो उसी स्कीम का ही लेना है और उसी जगह से लेना है, तो यहाँ पर जैसे आपको सर्च करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप वर्कोड यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं सिलेक्ट ऑप्शन में जा करके। तो यहाँ पर जैसे ये वर्कोड है, पहला वाले ही हम पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पर आपको वर्कोड तो नंबर पता होगा, जैसे 8945। तो आपका वर्कोड जैसे पता रहेगा तो आप यहाँ क्लिक किए, क्लिक करते हैं 8945 ये डालिएगा और सर्च मार दीजिएगा। मारते ही आपको खाली, सॉरी मैंने गलत डाल दिया, एक बार फिर से बैक करना। देखिए ये समस्या आएंगी, फिर से बैक कर लीजिए और फिर से आप इस प्रक्रिया को देखिए, 8954 सर्च कीजिए, देखिए ये आपका 8954 आ गया। इसके आने से ही आपके यहाँ पर मस्ट्रॉल आपको शो हो जाएगा।
ये मस्ट्रोल आ गया, मस्ट्रोल पर क्लिक कर दिए। जैसे मस्ट्रोल क्लिक किए तो आपका अटेंडेंस उस मस्ट्रोल पूरी मस्ट्रोल यहाँ पर आपको देखने लग गई। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, मस्ट्रोल सिलेक्ट करते ही आपकी अटेंडेंस दिख रही है। अगर सारी लेबर हैं तो आप ऑल क्लिक कर दीजिए, यदि इसमें से कोई लेबर एब्सेंट है तो उसको डिसलेक्ट कर दीजिए। ये इस तरह करके डिसलेक्ट कर दिए। यदि सारे प्रेजेंट हैं तो सबको ऑल कर दीजिए, और इसके बाद ये कंफर्म कर देना है। ये कंफर्म करने के बाद आपको एक फ़ोटोग्राफ्स लेनी है। ये फोटोग्राफ लेते हैं तब वो फोटोग्राफ लेते ही आपका ये स्क्रीन आपको दिखेगा। अब इस लेबर का फोटोग्राफ ले लेना है और ले करके आपको सेव जो बटन है उसमें सेव कर देना है। इतना करने के बाद ही आपको एक अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और वो अपलोड चूँकि हम फील्ड में नहीं है तो ये आगे की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे, तो इसके बाद आपका सेव का ऑप्शन आ जाएगा। आप सेव रख सकते हैं, बाद में उसे अपलोड भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप एट ए टाइम वहीं पर अपलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे बेटर है कि आप साथ साथ कर दीजिए, नहीं तो भूल जाइए, हर रोज़ किए और उसको अपलोड कर दिए। इस तरह से आपको हर रोज़ अटेंडेंस लेना है। धन्यवाद।